Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार प्रिय छात्रों आज एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस के इस कोर्स में जिसके आज तेरहवें सत्र यानी थर्टीन्थ लेक्चर के साथ जो कि हमारा आज का टॉपिक है इमोशन और उसका नेचर और कॉन्सेप्ट यानी कि हम आज इमोशन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इमोशन का क्या महत्व है और कौन कौन से वो कारक हैं जो उसे प्रभावित करते हैं और हमारी जो इमोशन को समझने की जो उसको रेगुलेट करने की जो एबिलिटी है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और कितने प्रकार के इमोशंस पाए जाते हैं या होते हैं उस पर भी हम एक विशेष चर्चा करेंगे तो इस प्रकार से हम आज प्रयास करेंगे कि इमोशंस से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आज हम अपने इस सत्र में समझने का प्रयास करेंगे सर्वप्रथम जब हम इमोशन की बात करते हैं तो एक उसके साथ हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि इमोशंस क्या होते हैं या हम उसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे अब इसके बारे में इमोशंस कि जब हम चर्चा करते हैं किसी से या जब इसके बारे में हम सोचते हैं तो एक स्वभावतः हमको ये लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम जानते हैं या जिसके बारे में हम पूरी तरह से एक हमें इसका आइडिया है या यूँ कह लें कि हम इसके बारे में एक बेहतर समझ रखते हैं लेकिन उस समझ के बावजूद जब हमसे कोई ये कह दे कि आप इसको परिभाषित कीजिए कि इमोशन क्या है तो वहाँ पर हमें एक समस्या आ जाती है और इसीलिए एक विद्वान ने ये कहा कि हमें इमोशन तब तक तो बहुत अच्छा लगता है जब तक हमें ये कहा जाता है कि क्या आप इमोशन को समझते हैं लेकिन जैसे ही हमें ये कहा जाए कि क्या आप उसे परिभाषित कर सकते हैं तो भी हमारे लिए एक समस्या बन जाता है क्योंकि इमोशन अपने आप में एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है और एक ऐसी जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जिसको परिभाषित करना उतना आसान नहीं है जितना ये प्रतीत होता है क्योंकि इमोशन के साथ बहुत सारी ऐसी जो उसके तत्व हैं या उसके कंपोनेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं क्योंकि यदि आप किसी को ये कहें कि जब हम खुश होते हैं तो वो इमोशन है या हम ये कहें कि जब हम गुस्से में होते हैं तो वो एक इमोशन है तो ये जो भी हम बता रहे हैं जैसे खुश होना या दुखी होना ये इमोशन के उसके एक्सप्रेशंस हैं या उसके टाइप्स हैं और इमोशन अपने आप में जो एक प्रक्रिया है जो उसके पीछे होने वाले जो पूरा मैकेनिज़्म है वो एक उससे एक कह सकते हैं कि वो एक ज़्यादा बड़ी प्रक्रिया है यानी कि यदि हम जो महसूस करते हैं यदि हम हैप्पी महसूस कर रहे हैं यानी जो फीलिंग एस्पेक्ट है अगर हम उसको भी इमोशन माने तो वो भी केवल इमोशन का एक कंपोनेंट है ना कि वो उसकी पूरी परिभाषा है तो इस तरह से हम ये पाते हैं कि इमोशन को डिस्क्राइब करना और उसको डिफाइन करना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है एक कठिन प्रक्रिया है और इस कारण से विद्वानों में इसको लेकर के बहुत सारे डिफरेंसेस रहे हैं हालांकि एक ऐसी कॉमन डेफिनेशन की जब बात आती है तो उसमें यही कहा जाता है कि इमोशंस को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये एक फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल यानी हमारी शारीरिक प्रक्रियाएं यानी दैहिक प्रक्रियाएं और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का एक मिला जुला स्वरूप है और जो कि हमें हमारे वातावरण से हमारे सिचुएशन से एडेप्ट करने में यानी उससे अपनी तारतम्यता बिठाने में और उसके साथ सामंजस्य बिठाने में और हमारे जो डेली लाइफ के चैलेंजेस हैं उनसे कोप करने में हमारी सहायता करते हैं तो इमोशंस को एक फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल मिश्रित मैकेनिज़म के तौर पर देखा जाता है जो कि हमें हमारे एनवायरमेंट में आने वाले चैलेंजेस से हमें कोप करने में हमारी हेल्प करते हैं तो इस प्रकार से इमोशंस की जो पूरी एक जो शोध है या यूँ कह लें कि जो इमोशंस से जुड़े हुए जितने भी रिसर्चेस की गई हैं उसमें भी ये कठिनाई आती है क्योंकि जब कोई ऐसी प्रक्रिया हो जिसे परिभाषित ही करना इतना मुश्किल हो तो उस प्रक्रिया को फिर उसका अध्ययन करना उसके बारे में कंट्रोल्ड स्टडी करना साइंटिफिक स्टडी करना और भी मुश्किल हो जाता है और ख़ास करके इस प्रक्रिया को मेजर करना यानी उसका मापन करना और भी कठिन हो जाता है तो इसलिए शुरू में हम इस कॉन्सेप्ट को संवेद की जो अवधारणा है उसको और आगे चर्चा करने से पहले हम यहाँ पर एक प्रयास करेंगे ये समझने का कि किस प्रकार से संवेद से संबंधित जो साइंटिफिक स्टडीज़ हो रही हैं उनमें किस प्रकार से इमोशन को सर्वप्रथम लैब सेटिंग में या जो स्टडी की जाती है उसमें कैसे उसको इंड्यूस किया जाता है यानी वहाँ पर हम किस प्रकार से इमोशन को उत्पन्न करते हैं और साथ ही साथ किस प्रकार से हम इमोशन को मेजर करने का प्रयास करते हैं यानी उसको मापन करने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे इन दोनों ही तथ्यों को समझने की इन दोनों प्रक्रियाओं को जो संवेग से संबंधित हैं सर्वप्रथम जब हम शोध विधियों की बात करते हैं तो शोध विधियां जिसमें इमोशंस इंड्यूस करने के कुछ तरीके जो रिसर्चर्स अपनाते हैं उसमें एक तरीका है जब वो अपने प्रतिभागियों से ये कहते हैं कि आप अपने जीवन से जुड़े हुए पूर्व के किसी भी एक महत्वपूर्ण घटना को जो एक इमोशनल घटना हो आपके लिए उसको आप उसको याद कीजिए और यदि वो उनके अंदर एंगर से संबंधित कोई इमोशन इंड्यूस करना चाहते हैं तो वो उनको कहेंगे कि आप अपने जीवन से पूर्व में एक ऐसी घटना को याद कीजिए इमेजिन कीजिए और अपने आप को उसमें दोबारा से आप रखिए और आप फिर कैसा महसूस कर रहे हैं वो हमें बताइए तो इस प्रकार से वो उस इमोशन को इंड्यूस करने का प्रयास करते हैं इसके बाद कुछ दूसरे जो प्रयास होते हैं वहाँ पर कुछ स्टडीज़ में पार्टिसिपेंट्स को कुछ ऐसे स्टोरीज़ उनके सामने प्रेजेंट की जाती हैं जिसको वो पढ़ते हैं और वो स्टोरीज़ यानी वो कहानियाँ अपने आप में बहुत ही इमोशनली कह सकते हैं कि इमोशन प्रोवोकिंग स्टोरीज़ होती हैं जो कि व्यक्ति के अंदर वो इमोशनल कंटेंट वो इंड्यूस करने के लिए वो प्रभावी होती हैं तो इस प्रकार की स्टोरीज़ उनको दी जाती हैं पढ़ने के लिए ताकि उनके अंदर वो इमोशन इंड्यूस हो सके इसके बाद कुछ और परिस्थितियाँ जिनका इस्तेमाल किया जाता है या प्रयोग किया जाता है स्टडीज़ में उसमें एक और तरीका है जहाँ पर पार्टिसिपेंट्स को कुछ इमेजेस या फिर कुछ वीडियोस कुछ क्लिप्स दिखाई जाती हैं जो इमोशनली हम कह सकते हैं कि चार्ज्ड होती हैं या उनके अंदर इमोशन कंटेंट होता है इमोशनल कंटेंट की कुछ तस्वीरें इमेजेस या फिर कुछ क्लिप्स या वीडियोस उनको दिखाए जाते हैं और उसके बाद उनमें किस प्रकार का इमोशन जो भी उसको इंड्यूस करने की जो जो प्रयास किए जाते हैं वो उसके बाद उसकी स्टडी होती है इसके साथ ही साथ उनको कई बार इस तरह की शोध विधियों में उनको रियल सिचुएशंस में भी रखने का प्रयास किया जाता है हालांकि ये अपने आप में बहुत ही कठिन और साथ ही साथ इसके कुछ एथिकल चैलेंजेस हैं जो कि शोध में इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कर पाना बहुत हद तक संभव नहीं हो पाता इन एथिकल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से यानी जो नैतिक बाध्यताएं हैं जो रिसर्चर्स को बांधती हैं रोकती हैं इस तरह की चीज़ें करने से हालांकि फिर भी कभी कभी इस प्रकार की नेचुरल सेटिंग में उनको प्रयास किया जाता है कि एक ऐसी सेटिंग क्रिएट की जाए जहाँ पर उनको ठीक उसी प्रकार की परिस्थिति में उनको रखा जाए या उनको वहाँ पर उनके सामने वो स्थिति क्रिएट की जाए ताकि वो रियल लाइफ में जो इमोशंस जनरेट होते हैं वो उस प्रकार के इमोशंस उनके अंदर इंड्यूस हो सकें और इसके साथ ही साथ एक और तरह की शोध विधि जो इस्तेमाल होती है इमोशंस इंड्यूस करने के लिए वहाँ पर जो रिसर्चर्स हैं वो पार्टिसिपेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं यानी उसको निर्देशित करते हैं कि वो किस प्रकार से अपने जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उनको वो बनाएं, यानी कि वो किस प्रकार से अपनी जो फेशियल मसल्स हैं उनको वो उस तरह से यदि एक उदाहरण के लिए वो कहेंगे कि आप अपनी आईब्रोज़ को भावों को थोड़ा सा ऐसे सिकोड़िए या आप अपनी जो होंठ हैं उनको आप उनको उसकी मुद्रा बदलिए और इसी के साथ साथ उनको बॉडी पोस्चर्स या उनकी जो ओवरऑल जो जैसे उनको ये कहना कि आप अपनी मुठ्ठियाँ इस तरह से भींच लीजिए अपनी अपना एक ऐसा आप अपने शरीर को इस प्रकार से आप कर लीजिए तो इस तरह की बॉडी पोस्चर्स या बॉडी उनको आ, मसल मूवमेंट करने के लिए वो इंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि उनसे रिलेटेड कुछ उनके अंदर इमोशंस इंड्यूस कर सकें हालांकि इस तरह के जो तमाम जो विधियां हैं जो इमोशन इंड्यूस करने के लिए जो इस्तेमाल में लाई जाती हैं उन पर एक प्रश्न ये हमेशा उठता है कि क्या इस तरह की जो इमोशंस इंड्यूस हो रहे हैं इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ से क्या हम उसको रियल लाइफ में जो इमोशन इंड्यूस होते हैं या रियल लाइफ में जो इमोशन हम एक्सपीरियंस करते हैं क्या हम उससे उसकी तुलना कर सकते हैं लेकिन ये पाया गया है कि हम ठीक रियल लाइफ में होने वाले जो इवेंट्स हैं उनको तो हम यहाँ पर रेप्लीकेट नहीं कर सकते और उनको हम एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स में रिपीट नहीं कर सकते और इसी वजह से रियल लाइफ इमोशंस को यहाँ पर इंड्यूस कर पाना बहुत कठिन होता है मगर फिर भी चूँकि एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स में हम कुछ हद तक उन इमोशंस को इंड्यूस कर पाते हैं और उसका अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे हमारा एक बेहतर एक आइडिया बन पाता है एक हमको इससे एक बेहतर जानकारी मिल पाती है कि किस प्रकार से जो रियल लाइफ के इमोशंस हैं वो उनकी प्रक्रियाएं किस प्रकार से हो रही हैं उनको किस तरह से कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं तो इसका एक बेहतर आइडिया हमको लग पाता है तो इस तरह से जो इंड्यूस्ड इमोशंस हैं जो स्टडीज़ में या रिसर्चेज में किए जाते हैं उनको इस प्रकार से वहाँ पर उत्पन्न किया जाता है इसके साथ ही साथ जब हम इसको मापन की बात करते हैं यानी इमोशन को कैसे हम मेजर कर रहे हैं अपनी एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में या अपनी स्टडीज में अपनी रिसर्चेज में तो उसके लिए तीन प्रकार के महत्वपूर्ण उसकी विधियां हैं उसमें पहली है सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक जिसमें कि व्यक्ति को या जो भी प्रतिभागी है जिसके इमोशन को हम स्टडी करना चाह रहे हैं उनको ये बताया जाता है कि उनको एक प्रकार का क्वेश्चनेयर या एक प्रकार की उनको एक आ, सर्वे दिया जाता है जिसमें वो खुद अपने इमोशंस के बारे में वो खुद रिपोर्ट करते हैं यानी वो अपने बारे में खुद बताते हैं कि किस प्रकार का इमोशन वो महसूस कर रहे हैं और क्या वो अभी फील कर रहे हैं और सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स जो फीलिंग एस्पेक्ट है इमोशन का उसको मापने के लिए या उसको मेजर करने के लिए ये कह सकते हैं कि इकलौता तरीका है एकमात्र तरीका है जो इमोशंस के फीलिंग एस्पेक्ट को मेजर करता है क्योंकि इसके अलावा जो भी हमारे पास साधन उपलब्ध हैं जो भी विधियाँ उपलब्ध हैं वो फीलिंग को यानी सब्जेक्टिव एस्पेक्ट को इमोशन के वो मेजर नहीं कर सकते डायरेक्टली इसके बाद हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट की फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट में हम व्यक्ति के शरीर में होने वाले जो भी बदलाव हैं बायोलॉजिकल चेंजेस हैं जैसे ब्लड प्रेशर में चेंज हार्ट बीट में चेंज उसके तमाम जो हार्मोनल सेक्रीशंस हो रहे हैं उसके ब्रेन में होने वाले जो न्यूरोनल लेवल पर जो चेंजेस या जो फायरिंग हो रही है या उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो ब्रेन के लेवल पे हो रही हैं अब उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसमें एफ भी आता है फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की जो टेक्निक है उसके द्वारा हम लाइफ ब्रेन यानी लिविंग ह्यूमन ब्रेन की स्टडी हम जो कर सकने में आ, कर पा रहे हैं उसके तहत हम उसकी फिजियोलॉजिकल जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो ले पाते हैं उसके शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं इमोशन की उस घटना के दौरान या उस पूरी प्रोसेस के दौरान उसको हम वहाँ पर रिकॉर्ड करने का मेज़र करने का प्रयास करते हैं साथ ही साथ हम बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस की भी आ, कोशिश करते हैं उसको मेज़र करने की क्योंकि जब व्यक्ति किसी प्रकार से अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है यानी जो उसका एक्सप्रेशन पार्ट है उसको हम उसको डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसको हम एक तटस्थ रूप में यानी एक इस प्रकार से हम न्यूट्रल ऑब्ज़र्वर के तौर भी तौर पर भी उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं या फिर उस व्यक्ति को पता है उसके सामने ही हम उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं हालांकि ये माना जाता है कि यदि इस तरह की जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें जो रिसर्चर है वो डायरेक्टली यदि इन्वॉल्व ना हो तो जो इमोशन जो जनरेट होंगे वो ज़्यादा उनकी जो क्वालिटी होगी या उनका जो कंटेंट होगा वो ज़्यादा नेचुरल होगा वो उसकी मौजूदगी से प्रभावित नहीं होगा तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो बिहेवियरल मेजरमेंट्स हैं वो जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो व्यक्ति के एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करके उसको वहाँ पे मेजर कर सकते हैं उसके इमोशन का जो प्रोसेस है और साथ ही साथ इसमें ये शोध विधियों में ये देखा गया है अक्सर कि केवल किसी एक तरीके पे निर्भर रहना या किसी एक तरीके को दूसरे तरीके से बेहतर मानना ये अमूमन इससे बचा जाता है क्योंकि किसी भी शोध विधि में इसमें से किसी एक या इनके कम्बिनेशन को लेकर के स्टडीज़ की जाती हैं इसमें हो सकता है हम सेल्फ़ रिपोर्ट टेक्निक के साथ साथ बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन को भी रखें हो सकता है हम उसके साथ साथ फिजियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग को भी रखें तो ये तमाम जो विधियां हैं इनको हम एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हमारे शोध की यूँ कह लीजिए कि जो हमारा शोध जो अलाउ करेगा या जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके आधार पर हम ये चयन करते हैं कि कौन कौन सी मेजरमेंट टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करेंगे अपने शोध में इसके बाद हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन की यानी संवेग के तत्व और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि संवेग के चार बहुत ही महत्वपूर्ण जो तत्व हैं उसमें जो पहला है वो फीलिंग आस्पेक्ट है जिसकी हम अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा कर रहे थे जो उसका सब्जेक्टिव आस्पेक्ट है जो व्यक्ति खुद फील करता है और इसीलिए उसको सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के तौर पर उसको माना जाता है कि व्यक्ति जो खुद अनुभव करता है जो उसका अपना सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है इसके साथ ही साथ उसके बारे में व्यक्ति स्वतः उसके बारे में अवेयर होता है यानी उसको अपनी उस परिस्थिति का ज्ञान होता है और वो जिस परिस्थिति से गुजर रहा है या उस प्रकार का जो इमोशन वो फील कर रहा है जो फीलिंग आस्पेक्ट है उसके बारे में वो उसकी एक समझ रखता है उसके बारे में उसकी अपनी एक अवेयरनेस है कि ये उसकी अपनी एक पर्सनल फीलिंग है इसके साथ ही साथ फीलिंग के साथ साथ जो उसका एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है उसका कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन और यहाँ पर व्यक्ति अपने अंदर जो भी उसके फीलिंग उत्पन्न हो रही है वो उसको संज्ञानात्मक उसका मूल्यांकन करता है और उसको वो ये समझने का प्रयास करता है अपने स्तर पर कि जो इस प्रकार की जो फीलिंग है उसका क्या अर्थ है उसके लिए और ये क्यों इस तरह की फीलिंग उसके अंदर उत्पन्न हो रही है इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण कंपोनेंट है इमोशन का वो है शारीरिक प्रतिक्रिया यानी बॉडली रिस्पॉन्सेज जिसको हम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज भी कहते हैं और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज में जो उसके महत्वपूर्ण घटक हैं वो हैं सर्वप्रथम हमारे बॉडी को प्रिपेयर करना एक पर्टिकुलर एक्शन के लिए ताकि हम जिस भी कंडीशन में हैं जिस भी परिस्थिति में हैं वहाँ पर हमारी बॉडी उससे रिलेटेड जो भी एक्शन है उसके लिए तैयार हो सके उदाहरण के लिए यदि हम फ़ियर की कंडीशन में हैं तो उस कंडीशन में हमारा शरीर हमारे अंदर जो भय उत्पन्न हुआ है उससे हम किस प्रकार से हम उस सिचुएशन में जो डेंजर की वजह से अगर वो फियर उत्पन्न हुआ है तो किस प्रकार से हम अपने आप को उससे प्रोटेक्ट करेंगे उसके लिए हमारी बॉडी को रेडी करना इसके साथ ही साथ हमारी बॉडी के अंदर तमाम फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशंस जैसे हमारी हार्ट बीट का बढ़ना हमारे लंग्स का ज़्यादा एयर को लेना और हमारे ब्लड प्रेशर का बढ़ना यानी कि हमारी बॉडी का सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेट होना जिससे कि हमारे अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे और साथ ही साथ हार्मोनल एक्टिविटी यानी हमारी बॉडी में उससे रिलेटेड हार्मोनल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें एड्रीनलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमको uh, इस तरह की जो सिचुएशंस हैं जो हमारे लिए डेंजरस सिचुएशंस हो सकती हैं इस प्रकार की सिचुएशंस में या जब भी हम uh, किसी बहुत ही रिग्रस फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो इस प्रकार की जो हमारी बॉडीली रिस्पॉन्स हैं वो भी हमारे इमोशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है इसके साथ ही साथ जो अगला बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है इमोशन का वो है सेंस ऑफ पर्पस यानी जो इमोशन जनरेट हो रहा है वो केवल हमारी बॉडी का एक फिजियोलॉजिकल रिस्पांस या एक फीलिंग कंपोनेंट ही नहीं है साथ ही साथ वो हमारा एक उसके अंदर एक सेंस ऑफ पर्पस जुड़ा हुआ है यानी कि उसका हमारे लिए एक बहुत ही Uh, कह सकते हैं महत्व है उस घटना का या उस पूरी जो प्रक्रिया का हमारे लिए एक बहुत महत्व है क्योंकि इसमें जो हमारे अंदर एक उत्तेजना आती है या इम्पल्स आता है जो कि हमको कहीं ना कहीं एक, एक एक्शन लेने के प्रति प्रेरित करता है और हम उस एक्शन को करने के लिए एक इम्पल्स हमारे अंदर जनरेट होता है साथ ही साथ एक हमारे अंदर एक प्रकार का मोटिवेशन भी उत्पन्न होता है कि हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या अगर इसको हम उदाहरण के तौर पर समझें तो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर हम एंगर की कंडीशन में हैं तो एंगर की कंडीशन में हमें गुस्सा आ रहा है और किसी परिस्थिति की वजह से अगर हमें गुस्सा आ रहा है और वो एंगर की जो फीलिंग हमें हुई है उसके वजह से हम कुछ ना कुछ एक्शन वहाँ पर करना चाहते हैं यानी कि हमारा लक्ष्य होगा कि किस प्रकार से हम जिस वजह से हमें गुस्सा आ रहा है उस व्यक्ति या वस्तु या जो भी वो परिस्थिति है उसको किस प्रकार से हम वहाँ से हटा सकें या उसको हम काउंटर कर सकें तो इस प्रकार से हम उस दिशा में अपने बिहेवियर को मोटिवेट करते हैं और इसीलिए इमोशन को एक इम, आ, मोटिवेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दोनों के बीच में रिलेशनशिप है जहाँ पे इमोशन को ये माना गया है कि इमोशन हमारे बिहेवियर को मोटिवेट करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट के तौर पर काम करता है और हमारे जितने भी महत्वपूर्ण व्यवहार हैं कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस का उनमें रोल होता है और इसके बाद केवल इतना ही नहीं जो परिस्थितियाँ हमारे सामने हैं किस प्रकार से हम उनसे कोप करेंगे यानी उन परिस्थितियों से हम कैसे निपटेंगे इसमें भी हमारी जो इमोशंस हैं उनका जो उनकी जो उत्पत्ति है और उनका जो सेंस ऑफ पर्पस है हमारे इमोशन का जो कंपोनेंट वो हमें मदद करता है जैसे उदाहरण के तौर पे यदि हम बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं तो किस प्रकार से हम अपने उस दुख से बाहर आ सकते हैं क्योंकि किसी कारण से यदि हमें वो दुख हुआ है तो हम चाहेंगे कि हम जल्दी से जल्दी उस परिस्थिति से बाहर आ पाएँ तो इस तरह से हमारा जो सेंस ऑफ पर्पज़ है वो कहीं ना कहीं इमोशन के साथ जुड़ा होता है जिसकी हम अभी और आगे भी चर्चा करेंगे जब हम वहाँ पर ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इमोशंस हमारे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन उनका है यानी वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और किस प्रकार से वो हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं तो जब हम उसकी बात करेंगे तो हम इनको और इन इन बिंदुओं पे और चर्चा करेंगे साथ ही साथ हम इसके फोर्थ कंपोनेंट जो कि एक्सप्रेसिव कंपोनेंट भी है उसकी हम यहाँ बात करते हैं और एक्सप्रेसिव कंपोनेंट जो हमारा है एक्सप्रेसिव बिहेवियर है जिसमें हमारे जो बॉडी से जो कम्युनिकेशन जो फेशियल स्पेशली जो कम्युनिकेशन आता है हमारी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हमारे फेस के थ्रू थ्रू हमारे जो चेहरे के जो भाव आते हैं जो उस पर जो कह लीजिए जो एक्सप्रेशंस उभरते हैं कहीं ना कहीं और हमारी आवाज़ से जो हमारी टोन से जो चीज़ें पता चलती हैं या जो प्रदर्शित होती हैं वो हमारे एक्सप्रेसिव पार्ट को दर्शाती हैं एक्सप्रेसिव कंपोनेंट को दर्शाती हैं तो इस इन चारों कंपोनेंट्स को जोड़ करके जब हम इमोशन को यानी संवेग को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे तो उसको हम इस प्रकार से कहेंगे कि संवेग हमारी अनुभूति शारीरिक प्रतिक्रिया उद्देश्य की भावना और भावबोधक व्यवहार का एक मिलीजुली प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने वातावरण में होने वाले जो भी हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं या जो भी हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस हैं उनसे हम अच्छे तरीके से उनको हम उनसे उनसे अडेप्ट कर सकें या उनसे हम उन परिस्थितियों से अपने आप को बेहतर एडजस्ट कर सकें तो इस प्रकार से इमोशन के ये चारों कंपोनेंट हमें हेल्प करते हैं ये समझने में कि किस प्रकार से इमोशंस uh, के ये चार कंपोनेंट फीलिंग एस्पेक्ट उसके बाद फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट और उसके बाद सेंस ऑफ पर्पस और उसके बाद एक्सप्रेसिव एस्पेक्ट ये चारों जो एस्पेक्ट हैं इमोशन के ये हमारे uh, हमारे अंदर मौजूद होते हैं और ये कंपोनेंट्स ये इमोशन का पार्ट हैं ये सभी कंपोनेंट्स मिल करके इमोशन बनते हैं यानी कि इमोशन जो है वो इन चारों कंपोनेंट को मिला करके बनता है इसीलिए हम किसी एक कंपोनेंट को इमोशन का रिप्लेसमेंट नहीं मान सकते और यही थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि इसी वजह से इमोशन को परिभाषित करना बहुत कठिन होता है क्योंकि इमोशन के ये जो कंपोनेंट्स हैं हम कई बार इन्हीं को इमोशंस मान बैठने की भूल कर जाते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि जो हमें फील हो रहा है वही इमोशन है या जो हम चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो हमारा इमोशन है या हमारे शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं वो हमारा इमोशन है बल्कि ये सारे इमोशन के कॉम्पोनेंट्स हैं उसके तत्व हैं और ये सभी मिलने के बाद जिस प्रक्रिया का निर्माण होता है जिस मैकेनिज़्म का निर्माण होता है वो हमारे इमोशंस को दर्शाता है इसके बाद हम अगली चर्चा जो करेंगे वो वहाँ पर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि संवेग यानी इमोशंस कैसे जनरेट होते हैं उसकी उत्पत्ति कैसे होती है और कौन से वो फैक्टर्स हैं जो उसको प्रभावित करते हैं तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इमोशंस से संबंधित जो यहाँ पर बायोलॉजी वर्सेस कॉग्निशन की बात हो रही है क्योंकि इससे जुड़े हुए बहुत सारे और भी तथ्य हैं या और भी है, पर्सपेक्टिव हैं परिप्रेक्ष्य हैं जिनसे हम इमोशन की उत्पत्ति को समझने का प्रयास करते हैं जिसमें से डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव एवोल्यूशनरी सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव और इस तरह से तमाम हमारे फिजोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और अलग अलग पर्सपेक्टिव्स की हम बात करते हैं लेकिन ये सभी पर्सपेक्टिव्स कहीं ना कहीं आ कर के दो मुख्य पर्सपेक्टिव्स में केंद्रित हो जाते हैं यानी कि हमारे इमोशंस को समझने के लिए उनकी उत्पत्ति को समझने के लिए जो दो बहुत महत्वपूर्ण पर्सपेक्टिव हैं उसमें से एक है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और दूसरा है संज्ञानात्मक पर्सपेक्टिव यानी कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव और इसीलिए इस तरह के जो पर्सपेक्टिव हैं इसको टू सिस्टम्स व्यू भी कहा जाता है और इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक प्रयास करेंगे इसको एक डायग्राम की मदद से समझने का एक सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट जो कि हमारे अंदर इमोशन को जनरेट कर सकता है या जिसके अंदर एक क्षमता हो कि वो इमोशन को प्रोवोक कर सके एक इस प्रकार का इवेंट जब होता है तो हमारे अंदर उससे संबंधित डिस्टिंक्ट न्यूरल पैटर्न्स जनरेट होते हैं यानी उससे संबंधित हमारे मस्तिष्क में कुछ ऐसे न्यूरल सर्किट्स एक्टिवेट होते हैं कुछ ऐसे पैटर्न्स एक्टिवेट होते हैं जो कि कहीं ना कहीं दो प्रोसेसेस को दर्शाते हैं एक कॉग्निटिव प्रोसेसेस को और दूसरा बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को तो ये दोनों ही प्रकार के जो हमारे प्रोसेसेस हो रहे हैं इसके बाद ये दोनों ही प्रोसेसेस इसको हम इस प्रकार से यहां रखेंगे ये उन चार कंपोनेंट्स को ये चार कंपोनेंट्स उससे जनरेट होते हैं जिसकी हमने अभी अभी चर्चा की जिसमें एक कंपोनेंट है फीलिंग दूसरा कंपोनेंट है फिजियोलॉजिकल या इसको हम बायोलॉजिकल भी कह सकते हैं या बॉडीली रिस्पॉन्सेस के नाम से भी हम उसको जानते हैं तीसरा जो एस्पेक्ट है वो सेंस ऑफ पर्पस है और जो चौथा एस्पेक्ट है वो एक्सप्रेसिव बिहेवियर है तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि बायोलॉजिकल और काग्नेटिव दोनों प्रोसेसेस मिलके ये चारों कंपोनेंट्स इससे जनरेट होते हैं और जब भी कोई सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट आता है तो उसके बाद डिस्टिंक्ट न्यूरल पैटर्न्स उससे जनरेट होते हैं उससे संबंधित और वो काग्नेटिव प्रोसेसेस और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस दोनों उससे एक्टिवेट होते हैं और वो दोनों फिर हमारे अंदर उन चार कंपोनेंट्स को इमोशन से संबंधित जो चारों कंपोनेंट्स हैं वो उसको जनरेट करते हैं यानी उनकी उत्पत्ति होती है जो कि फीलिंग एस्पेक्ट और फिजोलॉजिकल एस्पेक्ट और सेंस ऑफ पर्पस और साथ ही साथ एक्सप्रेसिव जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर जनरेट होते हैं तो इसके बाद हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो हमारे इमोशन का जो आस्पेक्ट है उसमें हम देखेंगे कि ये जो टू सिस्टम्स व्यू है इसमें किस प्रकार से बायोलॉजी और कॉग्निशन ये दोनों एक दूसरे को आ, कुछ हद तक इसके अलग अलग रिसर्चर्स हैं जो कि कुछ का मानना है जो बायोलॉजिकली जो मानते हैं कि इमोशंस जो हैं उनमें बायोलॉजी एक बड़ा कारण है यानी वो बायोलॉजिकली वो क्रिएट होते हैं या उत्पन्न होते हैं उनका जो मेजर जो कारक है वो बायोलॉजी है और जो दूसरे स्ट्रीम ऑफ रिसर्चर्स हैं जो शोधकर्ता हैं उनका मानना है कि जो हमारे संज्ञानात्मक जो प्रक्रियाएं हैं कहीं ना कहीं वो हमारे इमोशंस को जनरेट करने में या वो हमारे इमोशंस को प्रभावित करते हैं तो इन दोनों ही प्रकार के जो रिसर्चर्स हैं उनके अंदर जो बेसिक जो डिबेट है वो इस बात को लेकर के है कि जो इमोशंस जनरेट हो रहे हैं क्या वो स्वतः हो रहे हैं यानी कि जो बायोलॉजिकल जब हम बात करते हैं इमोशंस को जनरेट करने के फैक्टर्स की तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो सब कॉर्टिकल ब्रेन स्ट्रक्चर्स की बात होती है क्योंकि जो बायोलॉजिकल परस्पेक्टिव के जो शोध करता है जो इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं उनका ये मानना है कि हमारे अंदर जो इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं इनेट एबिलिटी यानी एक इनेट टेंडेंसी के साथ वो रहते हैं और इस वजह से वो उनका जो वहाँ पर जो जनरेट होने की जो टेंडेंसी है वो हमारे अंदर स्वतः मौजूद है यानी कि वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहे हैं और हम उस पर खुद कोई कंट्रोल नहीं करते या हमारा उन पर ज़्यादा कंट्रोल ना हो करके हमारे जो ब्रेन के ऐसे रीजन्स हैं जिनको सब ब्रेन रीजन्स या सब कॉर्टिकल पाथवेज़ कहा जाता है वो रीज़न्स वो जो हमारे ब्रेन के वो स्थान हैं वो हमारे इमोशन को जनरेट करने के लिए महत्वपूर्ण तो होते हैं और इसलिए इमोशंस जो हैं वो हमारे उन पर हमारा अपना डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता उनके जनरेशन पर जबकि जो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव की जब बात करते हैं तो जो रिसर्चर कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव की बात करते हैं उनका ये मानना है कि कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव यानी कि जब हम किसी परिस्थिति के बारे में उसका अप्रेज़ल करते हैं यानी उसका मूल्यांकन करते हैं उसके बारे में हम सोचते हैं और ये देखते हैं कि वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से उस परिस्थिति से हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा यानी कि हमारी जो सोशल लर्निंग है जो हमारी कल्चरल कल्चरल लर्निंग है जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं हमारी जो मेमोरी है ये तमाम फैक्टर्स हमारे इमोशन को जो जनरेट होने का जो प्रोसेस है उसका जो उसकी उत्पत्ति है उसको प्रभावित करते हैं और इसीलिए कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव को जो विद्वान इसकी इस पर्सपेक्टिव की बात करते हैं उनका कहना है कि हमारे ब्रेन के जो कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो महत्वपूर्ण है वहाँ से हम ये निर्णय लेते हैं वहाँ पर हम ये मूल्यांकन करते हैं कि किसी पर्टिकुलर परिस्थिति में वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है उससे हमें किस प्रकार का लाभ या नुकसान होगा तो इस प्रकार की जो ये पूरी प्रक्रिया है ये कहीं ना कहीं हमारे कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स में जैसे हमारा जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है जहाँ पर डिसीजन मेकिंग और थिंकिंग का जो प्रोसेस होता है वहाँ से ये गवर्न होते हैं और इस तरह के जो पर्सपेक्टिव में एक महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इन पर इन चीज़ों पर यानी ये जो हमारे इमोशंस जनरेट हो रहे हैं इन पर कहीं ना कहीं हमारा अपना कंट्रोल है और ये बहुत हद तक हमारे अपने इस पूरे कॉग्निटिव अप्रेजल प्रोसेस की वजह से ये जनरेट होते हैं तो इस सिस्टम को हम टू सिस्टम्स व्यू भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बायोलॉजी और कॉग्निशन दोनों को महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि बायोलॉजी हमारे इमोशंस को प्रभावित करता है और कहीं ना कहीं वो हमारे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को दर्शाता है साथ ही साथ कॉग्निशन यानी कॉग्निटिव आस्पेक्ट उसके एप्रेजल आस्पेक्ट को और उससे हमारे जो जो हमारे लिए वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है किस प्रकार से हमने उसका मूल्यांकन किया किस प्रकार से जो हमारी कल्चरल एस्पेक्ट है सोशल एस्पेक्ट है जो हमारा एक्सपीरियंसियल एस्पेक्ट है जो हमने अनुभव किया है वो किस प्रकार से वो उसको प्रभावित कर रहा है ये दोनों ही पर्सपेक्टिव मिला करके एक बेहतर समझ देते हैं हमें ये हमें हमारे समझने के लिए कि इमोशंस जो जनरेट हो रहे हैं उनका वो क्यों जनरेट हो रहे हैं यानी इमोशंस का कारण क्या है उसके कारक क्या हैं तो ये दोनों ही पर्सपेक्टिव उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसके साथ ही साथ जब इसमें ये विवाद आता है कि इन दोनों में से ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है या पहले कौन सी प्रक्रिया है जो हमारे इमोशन को एक्टिवेट करती है या इमोशनल सिस्टम को या इमोशनल मैकेज़म को एक्टिवेट करती है क्योंकि अभी तक जो हमने चर्चा की उसमें हमने ये देखा कि एक तरह के जो रिसर्चर्स हैं जो बायोलॉजिकल परस्पेक्टिव को मानते हैं उसकी जो वो एडवोकेसी करते हैं उसको वो कहते हैं कि सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स की वजह से हमारा इस पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता इमोशन के जनरेशन में और इसलिए जो हमारा इमोशन है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू डायरेक्टली वो एक्टिवेट हो जाता है जबकि कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में जो रिसर्चर्स काम करते हैं या जो उस धारणा को रखते हैं उनका ये मानना है कि जो इमोशंस हैं वो बहुत हद तक हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस यानी जो उससे रिलेटेड जितने एस्पेक्ट हैं हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है हमारे जो सोशल कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं उन सभी का प्रभाव पड़ता है और उससे कहीं ना कहीं जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो हमारे अनुभव हैं उनसे हमारा इमोशन जो है वो कॉज होता है या वो जनरेट होता है वहाँ से तो इन दोनों के अपने अपने पर्सपेक्टिव में जब ये सवाल उठता है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है या पहले क्या आ रहा है जो इमोशन को एक्चुअली में एक्टिवेट कर रहा है या उसको उत्पन्न कर रहा है तो ऐसे में इस डिबेट को एक रूप देने के लिए या एक पॉजिटिव दिशा देने के लिए या इसका एक कहले के उत्तर देने के लिए एक प्लूटिक ने अपना एक इसमें दृष्टिकोण दिया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इसको समझने के लिए और उसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे प्लूटिक ने अपने इस व्यू में यह बताया कि किस प्रकार से हमारे अंदर जो भी इमोशंस जनरेट हो रहे हैं वो इन दोनों ही यानी बायोलॉजिकल और कॉग्निटिव दोनों ही प्रक्रियाओं का एक मिला जुला एक असर है और यूं कह लीजिए कि उसमें किसी एक का महत्वपूर्ण रोल या किसी एक का पहले आना या उसकी वजह से इमोशन का जनरेट होने की जो धारणा है प्लूटिक उससे एक अलग एक धारणा देते हैं और उस धारणा में उनका ये कहना है कि ये दोनों ही सिस्टम जो हैं वो एक कॉन्ग्रोवेंसी में काम कर रहे हैं यानी एक साथ मिल कर के काम कर रहे हैं जिसमें और भी फैक्टर्स हैं जो उसको प्रभावित करते हैं और ये पूरी प्रक्रिया यानी कि आपस में ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे को प्रभावित करते हुए हमारे पूरे इमोशन के प्रोसेस को आ, उसको उत्पन्न करने के लिए या उसको एक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और उसमें इमोशन की इंटेंसिटी के साथ साथ इमोशन की जो हमारी जो आ, जो इनिशिएशन हो रहा है उसके लिए ये ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उसमें उन्होंने इस प्रकार से इसको बताया अपने इस मॉडल में ब्लूटिक ने अपने इस व्यू में दर्शाया कि सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट्स जो होते हैं उसके बाद उनका ये जो छह प्रकार के उन्होंने यहाँ पर कंडीशंस या कह लीजिए कि जो ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो उसको प्रभावित करेंगे और इसको उन्होंने यहाँ पर इस ये जो छह एस्पेक्ट्स हैं इसको उन्होंने इसके जो रिज़ल्ट है वो रिजल्ट यहां पर इसका जब आएगा तो उसको उन्होंने कहा कि दैट विल बी इमोशन और इसलिए इस पूरे फीडबैक को या इस लूप को उन्होंने नाम दिया फीडबैक लूप इन ऑफ इमोशन यानी कि यहां पर कोई एक फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है प्लूटिक के अनुसार हमारे जब कोई जब भी कोई इवेंट होता है तो उसमें ये प्रकार के जो ये हमारे फैक्टर्स हैं ये प्रभावी करते हैं उस पूरी सिचुएशन को और वहाँ पर हमारे कॉग्निशंस यानी कि जो भी हमारे अंदर उससे रिलेटेड संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं मेंटल प्रोसेसेस उस समय हो रहे हैं वो उसकी वजह से हमारे अंदर होने वाला जो अराउज़ल है जो उसकी वजह से हमारे अंदर जो उत्तेजना आ रही है वो और उसके बाद प्रिपरेशन टू एक्शन यानी कि हम उस घटना की वजह से किस प्रकार से तैयार हो रहे हैं अपने आप को एक्शन लेने के लिए या कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्स करने के लिए उसके साथ ही साथ हमारी जो फीलिंग्स उससे जुड़ी हुई हैं वो भी और उसके साथ साथ जो हमारे एक्सप्रेसिव डिस्प्लेज हैं यानी जो उससे रिलेटेड हमारा एक्सप्रेसिव कंपोनेंट है चाहे वो हमारे चेहरों पर आने वाला भाव हो या हमारी शारीरिक जो बॉडीली पोस्चर है उस प्रकार के जितने भी हमारे एक्सप्रेसिव डिस्प्लेज हैं और उसके साथ साथ हमारा जो ओवर्ट बिहेवियरल एक्टिविटी है यानी उसके साथ ही साथ हम जो वहाँ पर कर रहे हैं जो कि प्रदर्शित हो रहा है जो दिख रहा है हमारा व्यवहार तो ये सारे ही जो फैक्टर्स हैं ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं ना कि इनमें से कोई एक इंटरेक्ट अलग कार्य करता है और दूसरा जो फैक्टर है वो दूसरे से अलग है बल्कि प्लूटिक के अनुसार ये सभी फैक्टर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और ये एक दूसरे को भी प्रभावित करते हैं ये केवल ऐसा नहीं है कि ये केवल हमारे उस इवेंट से संबंधित एक अकेला फैक्टर है बल्कि ये सभी फैक्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक में जो बदलाव होता है उससे दूसरा भी फैक्टर उसमें भी बदलाव होता है और इस प्रकार से ये जो छह फैक्टर्स हैं ये मिल करके इनके अंदर जो चेंजेस होते हैं या ये जिस तरीके से कार्य करते हैं तो जो उसका रिजल्ट आता है उस फीडबैक का इन छह फैक्टर्स के आ, मिले जुले हम कह सकते हैं एक्शन से जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो इमोशन के तौर पे हमें देखने को मिलता है तो प्लूटिक का ये जो व्यू है इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि किस प्रकार से जो संवेद की उत्पत्ति है उसके लिए हमारे जो हमने बात की इसके पहले टू सिस्टम व्यू में कि बायोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कॉग्निशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो प्लूटिक ने इसके लिए जो रास्ता सुझाया या जो इसके लिए उन्होंने अपना व्यू दिया उसके अनुसार ये सभी फैक्टर्स ये आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और उसका जो रिजल्ट है वो इमोशन के तौर पे हमें देखने को मिलता है अब इसके बाद एक अगला सवाल हमारे सामने आता है कि इमोशन खत्म कब होता है यानी कि कैसे एक इमोशन की जो प्रक्रिया है वो एक खात्मे की ओर यानी उसका एंड कब होगा तो चूंकि इमोशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि बहुत ही शॉर्ट लिव्ड यानी कि जब भी इमोशन जनरेट होगा तो कोई बहुत लंबे समय के लिए इमोशन वहाँ पर जनरेट नहीं होता बल्कि वो एक बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन uh, के लिए वहाँ पर इमोशन uh, uh, जो है वो प्रोड्यूस होता है तो इसलिए जैसे ही वो सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट विड्रॉ कर लिया जाएगा यानी कि वो सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट या तो वहाँ से हटा लिया जाए तो वो इमोशन यानी जो इमोशन जनरेट हुआ है वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा अगर इसका उदाहरण एक सिंपल सा हम समझना चाहें तो यदि एक बच्चा किसी से डर रहा हो उसके अंदर फियर आ रहा हो किसी को देख के तो कई बार वो ऐसा करता है कि वो अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है या वो व्यक्ति से जब वो दूर चला जाता है तो उसका वो डर ख़त्म हो जाता है तो इस प्रकार से जो इमोशन है वो उस इवेंट के या उस घटना के या उस स्टमलस के हटने के बाद वो इमोशन जो है वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है इसके बाद हम अगली चर्चा अपनी करेंगे जिसमें हम प्रयास करेंगे ये समझने का कि संवेग के प्रकार कितने हैं और जब हम इस चर्चा को करेंगे तो यहाँ फिर से हमारे सामने यही दो महत्वपूर्ण पर्सपेक्टिव्स आते हैं जिसमें एक पर्सपेक्टिव है बायोलॉजिकल और दूसरा है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव यानी संगनात्मक परिप्रेक्ष्य और बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अनुसार हमारे पास कुछ मूलभूत संवेग हैं यानि कि बेसिक इमोशंस की बात होती है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स में और ये बेसिक इमोशंस जो हैं इनसे रिलेटेड बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के जो रिसर्चर्स हैं जो इसको प्रमोट करते हैं इस व्यू को वो उनका ये मानना है कि हमारे अंदर कुछ बेसिक इमोशंस मौजूद हैं और जिनकी संख्या दो से ले के आठ तक है यानी कि मिनिमम हमारे अंदर दो से तीन बेसिक इमोशंस हैं और अलग अलग विद्वानों के अनुसार जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं इनमें से कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं और इन्होंने अलग अलग संख्याएं बताई हैं बेसिक इमोशंस की और जिसमें लेवेंसन के अनुसार छः प्रकार के बेसिक इमोशंस होते हैं पॉल एक्मेन के अनुसार सात प्रकार के बेसिक इमोशंस होते हैं आइजार्ड के अनुसार सात प्रकार के बेसिक इमोशंस होते हैं और प्लूटिक के अनुसार आठ प्रकार के बेसिक इमोशंस होते हैं हालांकि इसमें जो महत्वपूर्ण बात है जिस पर सभी विद्वान एग्री करते हैं और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मानते हैं कि मूल जो हमारे संवेग हैं यानी जो बेसिक इमोशंस हैं वो यूनिवर्सल होते हैं नेचर में यानी वो सार्वभौमिक रूप से सभी के अंदर पाए जाते हैं और वो अक्रॉस द कल्चर अक्रॉस द स्पीशीज भी वो इनफैक्ट कई बार देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर ये जो हम बात करते हैं कि मूलभूत संवेगों की तो यहाँ पर बायोलॉजिकल परस्पेक्टिव कहीं ना कहीं ये मानता है कि हमारे अंदर जो बेसिक इमोशंस हैं वो लिमिटेड नंबर में हैं और उनकी संख्या दो या तीन से लेकर के आठ तक होती है उसी के उसी जगह पे संज्ञानात्मक परिपेक्ष को मानने वाले जो रिसर्चर्स हैं जो उस दिशा में काम करते हैं उनका ये मानना है कि जो हमारे जो टाइप्स ऑफ इमोशन हैं वो इतने लिमिटेड ना हो करके उससे कहीं ज़्यादा हैं यानी कि उनका ये मानना है कि हमारे जो नंबर ऑफ इमोशंस हैं वो इतने लिमिटेड नहीं हैं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा हैं क्योंकि उनके अनुसार जो इमोशन को जनरेट करने वाले जो कारक हैं चूंकि वो कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं यानी हमारे थॉट प्रोसेस हैं जो बहुत हद तक हमारी मेमोरी हमारी लर्निंग हमारे सोशल एक्सपीरियंसेस हमारे कल्चरल एक्सपीरियंसेस हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस इन सभी से प्रभावित होते हैं इस कारण से अलग अलग परिस्थितियों में हमारे अलग अलग इमोशंस जनरेट होते हैं और चूंकि हम अपने जीवन पर्यंत बहुत ही अलग अलग प्रकार की कंडीशंस से गुजरते हैं परिस्थितियों से गुज़रते हैं तो इस कारण से कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव को मानने वाले विद्वानों का ये कहना है कि हमारे अंदर बहुत अधिक यानी कि हम यूँ कह लें कि इतने ज़्यादा प्रकार के इमोशंस होते हैं और वो हमारे अंदर एक्सप्रेस होते हैं कि उनको संख्या में बता पाना संभव नहीं है यानी कि वो जो लिमिटेड नंबर ऑफ़ इमोशंस की बात बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में की जाती है वहाँ उस उस धारणा को वो नहीं मानते बल्कि उनका कहना है कि हमारे अंदर जो नंबर ऑफ इमोशंस हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है जो कि हमारी डिफरेंट सिचुएशंस के आधार पर बदलती रहती है इसके बाद चूंकि ये डिबेट अपने आप में एक बहुत ही आ, मुश्किल हो जाता है ये फिर पता कर पाना कि क्या वाकई में इमोशंस के जो प्रकार की जब हम बात करते हैं तो क्या वाकई में अगर हम कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव के आधार पर जाएं, तो क्या हमारे अंदर ऐसे बहुत सारे इमोशंस हैं फिर हम उनको आ, संख्या में नहीं समझ पाएंगे या जान पाएंगे या फिर अगर हम बायोलॉजिकल परस्पेक्टिव को माने तो उसके आधार पर केवल कुछ ही इमोशंस हैं हमारे पास जिनको मूलभूत इमोशंस की संज्ञा दी गई है तो क्या इसके अलावा जो इमोशंस होते हैं जैसे जो यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन पर लिखे भी हुए हैं तो इस प्रकार के इमोशंस हैं क्या हम इनको इमोशन ना माने तो इस तरह की जब समस्या है तो इसका जो एक बेहतर जो इसका विकल्प है उत्तर है हमारे पास वो पॉल एक्मेन ने यहाँ पर उसको बताया है और एकमैन ने उसको ये कहा कि हम यहाँ पर जो इमोशन हैं उनको इमोशन फैमिलीज़ के तौर पे अगर हम उसको समझने का प्रयास करें यानी जो बेसिक इमोशंस हैं वो हमारे लिए इमोशन फैमिलीज़ की तरह हैं न कि एक पर्टिकुलर इमोशन क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो एंगर अगर हम एंगर की बात करें तो एंगर एक ऐसा इमोशन है जो कि बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अनुसार बेसिक इमोशन है और उस उसमें होने वाले जो फिजोलॉजिकल चेंजेस हैं जो बायोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में हो रहे हैं जैसे हार्ट रेट उसमें बढ़ा रहता है ब्लड प्रेशर भी उसमें बढ़ा रहता है लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ और इमोशंस हैं जैसे आ, हमारे अंदर जेलेसी का अगर इमोशन की हम बात करें तो उसके अंदर भी इसी प्रकार के फिजोलॉजिकल चेंजेस देखे जाते हैं जैसे एंगर में देखे जाते हैं उसी तरीके से एन एक हमारे अंदर एक इमोशन होता है जो उसी प्रकार से आ, हमारे अंदर वही फिजियोलॉजिकल चेंजेस वहाँ पर भी देखे जाते हैं तो बायोलॉजिकल परस्पेक्टिव में जो बेसिक इमोशंस की बात की गई है उसको एक्मैन ने ये कहा कि इन इनको हम केवल बेसिक इमोशंस न मानते हुए इनको हमें इमोशनल फैमिलीज यानी ये एक इमोशन फैमिली को दर्शाते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह से इसके आधार पर उन्होंने सात प्रकार की इमोशन फैमिलीज़ के बारे में बताया पॉल एक्मैन ने जिसमें से कि एक प्रकार एंगर को उन्होंने बताया जिसके फर्दर इसमें कुछ जो उसके अलग अलग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो उसके उससे रिलेटेड उस फैमिली में आने वाले दूसरे इमोशंस हैं जो कि एंगर फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें हॉस्टिलिटी रेज फ्यूरी रिजेंटमेंट फ्रस्ट्रेशन एनवी तो इस प्रकार के जो इमोशंस हैं ये सभी एंगर फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं इसके बाद हम एक दूसरा जो इमोशन फैमिली है वो यहाँ पर उसका उदाहरण भी आप देख सकते हैं तो इस तरह से एक्मैन के अनुसार ये इमोशन फैमिलीज़ होती हैं जो कि हमारे अंदर बेसिक इमोशंस के साथ साथ उसके अलग अलग उसी फैमिली को रिप्रेजेंट करने वाले अलग अलग इमोशंस हैं तो फैमिली ऑफ इमोशन की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा टाइप पे जो अभी तक जो निर्धारण नहीं हो पा रहा था कि कौन से पर्सपेक्टिव को हम ज़्यादा महत्व दें यानी बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अनुसार हम ये माने कि हमारे अंदर केवल कुछ इमोशंस होते हैं जो मूलभूत इमोशंस होते हैं या हम कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव की बात को माने और ये कहें कि हमारे अंदर इतने अधिक प्रकार के इमोशंस होते हैं इतने ज़्यादा डिस्टिंक्ट इमोशंस पाए जाते हैं कि हम उनको आ, उनको उनकी संख्या बता नहीं सकते यानी वो अनगिनत हैं तो इस प्रकार के आ, डिबेट को रिजॉल्व करने के लिए एक्मैन ने इमोशन फैमिलीज़ की कॉन्सेप्ट की धारणा को प्रतिपादित किया इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया एक्मैन ने कि हमारे अंदर मूलभूत जो संवेग हैं उनको मूलभूत संवेद के रूप में माने जाने के लिए या उसका दर्जा मिलने के लिए उसके अंदर या उस इमोशन से रिलेटेड उसके अंदर दस गुण होने चाहिए तभी हम उस पर्टिकुलर इमोशन को बेसिक इमोशन का दर्जा देंगे यानी कि वो दस जो महत्वपूर्ण गुण हैं जो यदि किसी इमोशन से संबंधित होंगे तो हम उसको बेसिक इमोशन यानी मूलभूत इमोशन का दर्जा उसको हम देंगे और वो दस जो गुण हैं वो इस प्रकार हैं वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें पहला है कि किसी भी इमोशन का डिस्टिंक्ट फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए यानी एक ऐसा इमोशन कि उसका वो जो फेशियल एक्सप्रेशन उसकी वजह से प्रदर्शित हो रहा है वो और किसी भी इमोशन से मिलता जुलता न हो यानी कि उसके लिए जो फेशियल एक्सप्रेशन उस इमोशन की वजह से जनरेट हो रहा है वो पूर्ण रूप से विशिष्ट हो और वो किसी दूसरे इमोशन में वैसा जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो जनरेट नहीं हो रहा हो दूसरा डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ फिजियोलॉजी यानी कि उस इमोशन की वजह से जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में हमारे आ रहे हैं या देखने को मिल रहे हैं वो पूर्ण रूप से केवल उस संवेग से यानी उस इमोशन से एसोसिएटेड हों और वो विशिष्ट रूप से केवल उसी के साथ यानी उसी इमोशन के साथ वो फिजियोलॉजिकल पैटर्न देखने को मिले उसके बाद इस तरह के जो इमोशंस हैं उनका जो अप्रेजल प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक होना चाहिए यानी बेसिक इमोशन के तौर पर किसी इमोशन को क्वालिफाई करने के लिए उसके अंदर ये इम्पॉर्टेंट करैक्ट्रिस्टिक होना चाहिए कि उसका अप्रेजल जो हो वो ऑटोमेटिक हो ना कि हम उसके बारे में खुद विचार करें और उसके बारे में हम अपने थॉट्स के आधार पर उसको हम ये कहें कि हम इसको हमारे अंदर वो जनरेट हो बल्कि वो हमारे अंदर नेचुरली यानी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए और इस तरह के इमोशन को हम बेसिक इमोशन कहेंगे इसके बाद जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए वो है कि इस प्रकार के इमोशन को जनरेट होने के लिए जो उसके पूर्ववर्ती जो उसका कारण है वो भी एक विशिष्ट कारण होना चाहिए जैसे अगर हम डेंजर की डेंजर को देखें तो डेंजर हमारे अंदर फियर को उत्पन्न करता है तो इस प्रकार के जो विशिष्ट कारण है यानी कि उसका एक होने का जो पूर्व कारक है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए वो यानी वो एक अलग प्रकार का कारक होना चाहिए साथ ही साथ उनका जो एक्टिवेशन हो वो इनएस्केपेबल हो यानी कि हम उसको चाह कर भी अवॉइड ना कर सकें वो हमारे कंट्रोल में ना हो बल्कि उसका जो एक्टिवेशन है वो नेचुरल हो यानी कि वो इस, इस प्रकार का हो कि वो इनएविटेबल हो यानी हम उसको चाह करके के उसको कंट्रोल नहीं कर सकते इसके बाद हम बात करते हैं रैपिड ऑनसेट की यानी कि इस प्रकार के जो इमोशंस होते हैं उनका जो जनरेशन है वो बहुत ही रैपिड होता है यानी कि इस प्रकार के जो इमोशन हैं जो बेसिक इमोशन की जिनको संज्ञा दी जाएगी वो उनका जो ऑनसेट है वो बहुत तीव्र होगा यानी कि वो बहुत तेज़ी से उनकी शुरुआत होगी उसके बाद इस तरह के जो बेसिक इमोशंस हैं वो दूसरे प्राइमेट्स में यानी कि दूसरे जो हमारे मानवों से संबंधित जो दूसरे जानवर हैं उनके अंदर भी वो पाए जाएंगे उनके अंदर भी वो प्रदर्शित होंगे और वो बेसिक इमोशंस हैं क्योंकि वो हम भी कहीं ना कहीं उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं उसी बायोलॉजिकल फैमिली से हम आते हैं तो उनके अंदर प्राइमेट्स के अंदर भी इस प्रकार के इमोशंस बेसिक इमोशंस मौजूद होंगे इसके बाद इन इमोशंस की जो ड्यूरेशन होगी वो बहुत ही कम अवधि के लिए जनरेट होंगे क्योंकि इनके आ, अपने हम कह सकते हैं कि अपना एक इनका पर्सपेक्टिव है और एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है और उस कारण से इनका जो जनरेशन है या जो इनकी जो ड्यूरेशन है वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए होती है उससे जो भी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो होने के बाद ये अपने आप फेड आउट हो जाते हैं इसीलिए इनका जो ड्यूरेशन है वो बहुत ही छोटा होता है अवधि बहुत ही कम होती है इसके बाद इसकी वजह से जो एक्सपीरियंस हम अनुभव करते हैं जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है वो भी एक विशिष्ट प्रकार का अनुभव होना चाहिए वो किसी और इमोशन के साथ ओवरलैप नहीं करना चाहिए इसलिए इस तरह के जो इमोशंस होंगे जिनके अंदर डिस्टिंक्टिव सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हम अनुभव करेंगे वो वही केवल आ, सब आ, बेसिक इमोशंस की उनको संज्ञा दी जाएगी और साथ ही साथ इनका एक डिस्टिंक्ट कॉग्निशन यानी इनसे जुड़ा हुआ जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो भी पूर्ण रूप से एक उसकी विशिष्टता हो वो किसी और इमोशन के साथ उसका ओवरलैपिंग ना हो तो ये दस गुण जिस भी इमोशन के साथ होंगे वही इमोशन बेसिक इमोशन के तौर पर माना जाएगा या उसको उसकी संज्ञा दी जाएगी यहाँ पर महत्वपूर्ण आपके लिए ये समझना है कि कुछ इमोशंस हैं जिनके अंदर इनमें से इन दस गुणों में से कोई पाँच या कोई छः या कोई आठ गुण भी अगर उनके अंदर हैं लेकिन अगर उनके अंदर ये सभी दस गुण नहीं हैं तो हम उन्हें बेसिक इमोशन की संज्ञा नहीं देंगे यानी कि पॉल एक्मैन के अनुसार जब तक किसी इमोशन के साथ ये दस के दस गुण नहीं मौजूद होंगे तब तक हम उसे बेसिक इमोशन की संज्ञा नहीं देंगे और इसी के आधार पर एक्मैन ने सात मूलभूत इमोशन फैमिली को उन्होंने प्रपोज किया जिसमें एक एंगर है दूसरा फियर तीसरा सरप्राइज चौथा सैडनेस पांचवा डिस्गस्ट जो छठा है दैट इज़ हैप्पीनेस एंड कंटेम्प्ट यानी कि ये जो सात यहाँ पर इमोशंस दर्शाए गए हैं एक्मैन के अनुसार ये सात इमोशन फैमिलीज़ हैं और इन्हीं इमोशन फैमिलीज में फर्दर हम सभी इमोशंस को इन्हीं फैमिलीज़ में एडजस्ट कर सकते हैं या कहीं ना कहीं इसमें कैटेगराइज कर सकते हैं तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो इमोशन है वो उनके उत्पत्ति के जो कारण हैं बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव उसकी हमने चर्चा की इमोशन के जो शोध में किस प्रकार से इमोशंस को इंड्यूस किया जाता है लेबोरेटरी सेटिंग में और किस प्रकार से उसको मेजरमेंट करने का प्रयास किया जाता है सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक से फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट से और साथ ही साथ बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस की मदद से इसके साथ ही साथ हमने ये भी समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जो इमोशन के टाइप्स हैं उसमें जो दो पर्सपेक्टिव्स हैं बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और साथ ही साथ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव उनके आधार पर हमने उसको समझने का प्रयास किया और अपने अगले सत्र में जो हमारा फोर्टीन सेशन होगा लेक्चर होगा उसमें हम इस चर्चा को जारी रखेंगे और वहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि संवेग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत और साथ ही साथ संवेग का हमारे लिए क्या आ, महत्व है उनका फंक्शंस क्या है हमारे जीवन में किस प्रकार से वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है इन सभी बिंदुओं पर हम अपने अगले सत्र में चर्चा करेंगे तो आज का हम अपना ये सत्र यहाँ पर समाप्त करते हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद